महिला मंडल सुहाल का प्रतिनिधि मंडल पंचायत प्रधान व महिला मंडल प्रधान के नेतृत्व में महिलाओं ने उपायुक्त को शराब ठेके को बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने कहा कि वे मनरेगा कार्य कर रही हैं, लेकिन सुहाल ग्राम के बीच शराब के ठेके के कारण आज महिलाओं को खासी परेशानी पेश आती है। महिला मंडल की प्रधान नीलम कुमारी नेतृत्व में महिलाओं ने उपायुक्त से शराब के ठेके को बंद करने की मांग की है। करीबन 2 सालों से महिलाओं को हैडपंप और दुकानों में अकेले आने में समस्याएं आ रही हैं। आज गांव के युवा नशे की गर्त में जा रहे हैं। सिलाई केंद्र, हैडपंप तथा शिव मंदिर के पास खोला गया ठेका जल्द बंद किया जाना चाहिए। इस हिसाब से मिले जी 2015 से हमारा संघर्ष चला है और शराब का ठेका सुहाल महिला मंडल में और सुहाल पंचायत में, तो सुहाल महिला मंडल के साथ है बिल्कुल शराब का ठेका, और मतलब उधर मंदिर है, फिर हैंडपंप है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आने जाने की। तो फिर हम 2015 से आश्वासन मिल रहा था हमें विवास जी हम बंद कर देंगे या कहीं शिफ्ट कर देंगे। अब हमारे पंचायत के प्रधान जी, पूरी पंचायत हमारे साथ है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत में ठेका रहे नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, डीसी साहब ने बोला भी हम एसपी इनको भेजेंगे, हाँ एसडीएम साहब को भेजेंगे और फिर वो लोकेशन देखेंगे और उस हिसाब से बंद हो जाएगा आपका ठेका। और हाई कोर्ट के भी ऑर्डर आए हैं, महिला मंडल चाहे तो ठेका बिल्कुल बंद हो सकता है और हम अपनी पंचायत में बिल्कुल ठेका नहीं बचाएंगे, शिफ्ट करना हमने और ठेका नहीं चाहेंगे पंचायत में। और धरना हमारा वैसे ही रहेगा उधर, जब तक हमारे ये नहीं जाएंगे, एसडीएम साहब नहीं जाएंगे, धरना वैसे ही रहेगा हमारा। जब तक हम पूरा आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक। उधर उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। इस मामले की रिपोर्ट एसडीएम को बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पंचायत से एक महिला समूह है जो यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने वहाँ पे चल रहे एक लिकर वेंड के खिलाफ ये कंप्लेंट दी है और उन्होंने ये डिमांड की है कि उसको बंद किया जाए फिलहाल के लिए। चूंकि कल से धरना प्रदर्शन चल रहा था तो एटीसी को आदेश दे दिए गए हैं, एसडीएम साहब को भी आदेश दे दिए गए हैं कि आप फिलहाल को तो इस वेंड को बंद रखा जाए, और एसडीएम साहब को ये भी आदेश दिए गए हैं कि आप मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट तैयार करें और इसमें जो भी कार्रवाई बनती होगी रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा।